एपिसोड थर्ड आज है और हम एपिसोड फर्स्ट एंड सेकंड ट्रिपल सी एडवांस कोर्स का बना चुके हैं। एपिसोड थर्ड है आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज द कंप्यूटर कैन बी डिवाइड इन फाइव टाइप्स। कंप्यूटर को पांच भागों में बांटा जा सकता है साइज के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सुपर कंप्यूटर देखेंगे, उसके बाद जो भी यहाँ पे आने वाले कंप्यूटर होंगे पांच कैटेगरी में सुपर कंप्यूटर को साइज के आधार पर बांटा गया। सबसे पहले सुपर कंप्यूटर आएगा, उसके बाद जो भी कंप्यूटर आएंगे उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो घटती चली जाएगी, ठीक है। ये मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया और चलिए यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर कंप्यूटर को यहाँ पे पांच भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हम पहले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किस टाइप का कंप्यूटर होता है उसका डिस्कस कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर। दे आर डिजाइन, देखिए सुपर कंप्यूटर जो होते हैं बिगेस्ट होते हैं और फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं। बिगेस्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बिगेस्ट का मतलब ये है कि हाँ काफी ज्यादा, मतलब कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो फास्टेस्ट से इसकी देखी जाती है कि कितना फास्ट काम करता है। क्योंकि बिगेस्ट से मतलब क्या होता है, बिगेस्ट का मतलब ये होता है कि कितना बड़ा। तो आप पांच क्विंटल का कंप्यूटर लेकर आओ वो काम कुछ ना करे तो ऐसे कंप्यूटर का क्या फायदा बिगेस्ट लेकर आए, ठीक है। तो बिगेस्ट बिगेस्ट कुछ नहीं होता है, सिंपल सा इतना लगा लो कि फास्टेस्ट काम करता है, ठीक ना। ये मूर्खता वाले काम होते हैं। दे आर डिजाइन टू प्रोसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। यहाँ पे जो है प्रोसेस करने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेस करने के लिए सुपर कंप्यूटर डिजाइन किए जाते हैं। आप सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ सेकंड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एक सेकंड में सुपर कंप्यूटर जो है यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। इट हैज थाउजेंड ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर्स। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके पास जो है हजारों की संख्या में इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से कनेक्ट जो है प्रोसेसर्स यहाँ पे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर आर पार्टिकुलरली यूज्ड इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग और प्रयोगों में प्रयोग किए जाते हैं, वैज्ञानिक कामों में और इंजीनियरिंग कामों में। क्योंकि यहीं पे बड़ी बड़े काम करने की जरूरत पड़ती है, बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सच एज वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग से मतलब यहाँ पे ये है कि वेदर फोरकास्टिंग यानी कि भविष्यवाणी पानी मतलब मौसम की, ठीक है। साइंटिफिक साइमल्टेनियस वही चीज़ है। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च, ठीक है। नाभिकीय मतलब जो न्यूक्लियर बम वाले चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियर नाभिकीय वाली, उनके एनर्जी के नाभिकीय ऊर्जा रिसर्च में इनका प्रयोग किया जाता था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय रोजर क्रे इन 1976। पहला सुपर कंप्यूटर जो है डेवलप किया गया था रोजर क्रे के द्वारा 1976 में, 1976। कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंप्यूटर, यहाँ पे इसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो सुपर कंप्यूटर वाले देख लेते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू डिस्क्रिप्ट योर पासवर्ड टू एनहांस प्रोटेक्शन फॉर सिक्योरिटी रीजंस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके पास एबिलिटी होती है आपका पासवर्ड को डिक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने की, ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस में, यानी कि आपके पासवर्ड को डिक्रिप्ट कर सकता है। इट प्रोड्यूसेस एक्सीलेंट रिजल्ट इन एनिमेशन। ये जो है आपके जो बड़े बड़े एनिमेशन वगैरह, जो आप कार्टून वगैरह देखते हो एनिमेशन, तो उसमें जो है हाई ग्राफिक कार्ड, हाई प्रोसेसर क्षमता के खुद पर कंप्यूटर चाहिए होता है, तभी वो जो है काम करते हैं अच्छे से। तो उसके लिए बनाने के लिए भी जो अच्छे सुपर एनिमेशन बनाने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड क्रिटिकल एनालिटिकल टेस्ट। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वर्चुअल टेस्टिंग होती है न्यूक्लियर वेपन्स की ग्राउंड लेवल पर करने से पहले उसको वर्चुअल देखा जाता है, मतलब क्या किस एंगल पर जाएगी, कहाँ पर गिरेगी, कहाँ नहीं गिरेगी। इसके अलावा जो न्यूक्लियर वेपन्स की जो टेस्टिंग होती है वर्चुअली जो है सुपर कंप्यूटर करता है। इट कैन स्टडी एंड अंडरस्टैंड द क्लाइमेट पैटर्न। ये जो है जलवायु जो परिवर्तन होते रहते हैं दुनिया भर की जलवायु में, कि कब कहाँ पे पैटर्न जो है मौसम का कैसा बढ़ रहा है पता चला, जहाँ पे सूखा हो रहा है वहाँ पे गीला हो रहा है, गीला हो रहा है वहाँ पे सूखा हो रहा है। तो इस तरह की जो मौसम की जो घटनाएं होती हैं, क्लाइमेट में जो चेंज होते हैं उसकी जो गणना, मतलब उसकी जो रिकॉर्ड करना, उसके आधार पर एक एनालिसिस करना कि क्या बदल रहा है पैटर्न, क्या कुछ इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पर हो रहा है, इस तरह की एनालिसिस करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग द फ्लाइट सिमुलेटर्स फॉर पायलट एट द बिगिनर लेवल ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे देखिए जो ये जो है डिजाइन किए जाते हैं जो बिगिनर लेवल पर जो पायलट सीखते हैं वो दोस्तों जो है सुपर कंप्यूटर मतलब एक तरीके से सिखाया जाता है उनको, ठीक है। और इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोरेज सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम। इट हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटा स्टोरेज सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी में जो है डेटा को मेंटेन रखने के लिए और काफ़ी सारा जो डेटा होता है, यूज अमाउंट ऑफ डेटा, उनको मेंटेन रखने के लिए क्लाउड सिस्टम, जैसे कि आपने सुना होगा कि क्लाउड माइनिंग। तो एक तरीके से ऐसा समझ लीजिए कि हालांकि वो ब्लॉकचेन का सब्जेक्ट है, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी जो अपना डेटा स्टोरेज है वो भी इस पे रख सकती है, क्योंकि उसके बाद बड़ी बड़ी क्षमता होती है। इट हैज प्लेड अ पिवोटल रोल इन मैनेजिंग द ऑनलाइन करेंसी वर्ल्ड सच एज स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन।
तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैनेज करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी करेंसी है जो रुपया और INR जो है वो डॉलर के सापेक्ष कितना गिरा कितना उठा, इस तरह से आप रोजली सुनते रहते होंगे कि $8 इतना बढ़ गया इतना गिर गया, तो ये रुपया के सापेक्ष कैसे सारा कुछ होता रहता है उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, इसके लिए हाई पावर ऑफ परफॉर्मेंस चाहिए सुपर कंप्यूटर की, इसलिए सुपर कंप्यूटर होते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इनका यूज होता है क्योंकि पूरे देश जहाँ पे एक सिस्टम, जहाँ पे जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में है, इनमें जो है सुपर कंप्यूटर लगे होते हैं जो पूरे देश में पूरा मतलब स्टॉक को मैनेज करते हैं कि कहाँ शेयर कितना बेचा कितना बचा कितना नहीं बेचा, ये सारी जो गणनाएं हैं ये सारी करना एक कोई असाधारण कंप्यूटर की बात नहीं है। और वहीं पे बात की जाए बिटकॉइन की, तो वहाँ पे बिटकॉइन हालांकि वर्ड जोड़ दिया गया है लेकिन मैं आपको बता दूं बिटकॉइन जो है कई तरीके से एक नेटवर्क सिस्टम पे काम करता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बिटकॉइन की बात छिड़ी गई, यदि आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो, ये किसी बिटकॉइन जो है एक सेंट्रलाइज एक कंप्यूटर पे नहीं रहता है दरअसल, ठीक है। ये जो है बिटकॉइन जो है डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी पे काम करता है, ये सारी सारे कंप्यूटर पे रहता है, यानी कि दुनिया भर के जितने भी इस नेटवर्क के अंतर्गत माइनिंग से जुड़े हुए होते हैं जितने भी नोट्स जिनको हम कहते हैं उन पे बिटकॉइन का डाटा मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। कोई एक कंप्यूटर पे नहीं होता है, हालांकि इसे यहाँ पे जोड़ दिया गया है। यदि आप बिटकॉइन और ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं पूरा कंप्यूटर कोर्स जो है इसी चैनल पे उपलब्ध है, प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कीजिए, यहाँ पे डिस्कस करना ठीक नहीं है। इट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ वर्जियस क्रिटिकल डिसीजन एंड यहाँ पे देखिए ये बताया जा रहा है कि जो डिसीजन होते हैं जो रोग होते हैं उनकी जैसे ब्रेन इंजरी स्ट्रोक्स वगैरह की मतलब हेल्प करते हैं रोगों का पता लगाने में, ठीक है। तो ये तो हालांकि तो भाई लोग जाने जो करते हैं, ठीक है, उसमें भी इनकी योगदान है। इट हेल्प्स इन यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ों में इनका योगदान रहता है, जो भी बड़े बड़े काम होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, जहाँ पर बड़े बड़े डाटा को प्रोसेस करने का काम हो या फिर उनको स्टोर करने का काम हो। इट हेल्प्स इन साइंटिफिक रिसर्च, ये जो है वैज्ञानिक रिसर्च में अनुसंधान में प्रयोग आते हैं। एरियाज बाई एक्वायरिंग एनालिसिस डेटा, डेटा का एनालिसिस करना हो साइंटिफिक रिसर्च में, जैसे नए अनुसंधान होते हैं, ठीक है, रिसर्च होती है तो उसमें डेटा बड़ा बड़ा रहता है उसको एक्सप्लोर, जैसे पूरा देश का मान लीजिए जनसंख्या का डेटा है तो वो बड़ा बड़ा डेटा होता है उसको कैसे फिर, तो यही सब चीज़ें हैं। और वहीं पे बात की जाए तो ये साइंटिफिक रिसर्च में सोलर सिस्टम का पता लगाने पे किस ऑर्बिट मतलब कितनी दूर है कौन सा सेटेलाइट और मूवमेंट अर्थ का कितना है, कितना रफ्तार से अर्थ जो पृथ्वी है घूम रही है उसके सापेक्ष जो हमारे सैटेलाइट हैं वो कितनी रफ्तार से घूम रहे हैं, और फिर उनको सैटेलाइट को मतलब किस तरह से मैनेज करें जिससे अर्थ के सापेक्ष एकदम राइट पोजीशन पे ही रहे, ये सारी कैलकुलेशन जो होती है वो सारे एक साइंटिफिक जो है बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं, साधारण कंप्यूटर की जरूरत मतलब नहीं कर सकते हैं। इट आल्सो यूज इन स्मॉग कंट्रोल सिस्टम लेवल ऑफ फॉग एंड अदर पोल्यूटेंट्स इन एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एटमॉस्फेयर में वातावरण में जितना भी यहाँ पे पोल्यूशन वगैरह जो भी होता है कि कोहरा कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा उसका सारा प्रेडिक्ट करने में कोहरे का लेवल क्या रहेगा ये सारा बताता है। सुपर कंप्यूटर के लिए यहाँ पे एक जो है MCQ आया था, इसमें चार क्वेश्चन चार जो है यहाँ पे MCQ में ऑप्शन दिए रहे थे तो इसमें ये वाला ठीक था, ठीक है, ये आप याद रख लो देख लीजिए, ठीक है, इस पर अभी मैं डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले रहे हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर मेजर इन फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, प्लॉप्स में नापी जाती है सुपर कंप्यूटर की स्पीड। अमेरिकन क्रे रिसर्च कंपनी फाउंडेड बाई सेमर क्रे, अमेरिकन एक क्रे रिसर्च कंपनी थी जो फाउंड की गई थी सेमर क्रे के द्वारा, इन्होंने डिजाइन किया था पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट, ठीक है। कई जगह आपको गूगल ही पे आपको मिलेगा CDC 6600, तो आपको जो भी आपके उसमें हो आप क्रे फर्स्ट मिल जाए तो क्रे फर्स्ट मार देना, CDC 6600 मिल जाए CDC 6600 मार देना, ठीक है। कंप्यूटर की जो इतिहास है जो हिस्ट्री है उसके बारे में काफ़ी कुछ मतलब गलत डेटा गूगल पे भी पड़ा हुआ है, तो बहुत मतलब एक तरीके से रिसर्च का काम है तो इतना आसान काम नहीं है। हालांकि मैं आप खुद ही ये चीज़ करके देखिएगा रिसर्च करके हिस्ट्री के बारे में कंप्यूटर की, तो बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी इंटरनेट पर, ठीक है। तो आपको क्रे फर्स्ट दिया जाए, वैसे क्रे फर्स्ट इसका मैं 90% श्योर हूँ, CDC 6600 कई जगह आपको मतलब कहीं कहीं मिल जाता है, तो बस ऐसे ही बता दिया यदि आपको क्रे फर्स्ट मिल जाए तो वही ठोक देना। परम जब सीरीज ऑफ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर, परम जो है उस सुपर कंप्यूटर की सीरीज है जो भारत में बने सुपर कंप्यूटर वो परम सीरीज के थे, यानी कि परम के नाम से ही सारे जाने गए। असेंबल्ड बाई द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इन पुणे इंडिया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ये कंपनी का नाम है, ये जो पुणे इंडिया में है, ठीक है, इसने असेंबल किए और डिजाइन किए। परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर जो भारत के हैं वो डॉक्टर विजय भटनागर। इंडिया का पहला जो कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है, ध्यान दिया जाए यहाँ पे पहला कंप्यूटर की बात हो रही है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर नहीं, पहला कंप्यूटर जो इंडिया का था वो सिद्धार्थ था। विद द ओरिटिकल पी परफॉर्मेंस ऑफ 537 पीटा फ्लॉप्स, देखिए फ्लॉप्स की मैंने आपको बताया कि फ्लॉप्स होता क्या, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेटर पर सेकेंड,
तो यहाँ पे एक सुपर कंप्यूटर, दुनिया का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जो जापान में है। ठीक है, तो इसकी जो रफ्तार है, रफ्तार देखिए, रफ्तार के आधार पर पता चलता है कि कितना बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ऐसे नहीं पता चलता है। तो इसकी देखिए स्पीड भी दी गई है, 537 पीटा फ्लॉप्स। फुगाकू इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, इट इज ऑल्सो द फर्स्ट टॉप रैंक्ड सुपर कंप्यूटर टू बी पावर्ड बाई एरम प्रोसेसर। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मतलब दुनिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। ठीक है, जिसकी स्पीड 537 पीटा फ्लॉप्स है, और नीचे वहीं पे बताई गई स्पीड इसकी 442 पीटा फ्लॉप्स, लगभग वही है। ठीक है, एक्यूरेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। बात करें यहाँ पे इसकी कोर की, देखिए जैसे आपके फोन जो होते हैं वो होते हैं ऑक्टा कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, यानी कि 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, लेकिन इसकी कोर कितनी है जरा ध्यान दीजिए, 76 लाख, 76,30,848। वेंडर इसके है फुजिस्टू। ठीक है, और लोकेशन इसकी है राइकिन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस जापान। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो की जो क्षमता है वो क्षमता होगी सुपर कंप्यूटर से कम। ठीक है, तो ये सेकेंड है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर पे जो है हंड्रेड या हजारों की संख्या में यूजर जो है एक साथ काम कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में दे कैन सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। ये जो है जो मल्टीपल प्रोग्राम एक टाइम पर सपोर्ट कर सकते हैं, इट मीन्स दे कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट, मतलब ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक ही कंप्यूटर पर आप 75 प्रोग्राम एक साथ रन करा सकते हो। प्रोग्राम से तात्पर्य है 75 तरीके के साथ पर, यानी कि 75 लोग जब काम करेंगे तो सब लोग अलग अलग काम भी कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है एक ही रहेगा। इसका नाम है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सुपर कंप्यूटर से नीची कैटेगरी में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी है। ठीक है, चलो, दीज फीचर्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर मेक देम आइडल फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर। बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर में क्या होता है, बड़ी बड़ी जो हेडक्वार्टर होते हैं, ऑफिस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, तो ये सारे काम जो है हैंडल करना, यानी कि बहुत सारे यूजर एक ही कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो इसलिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। इनका बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज्यादा उपयोग देखने को मिलता है। विच नीड टू मैनेज एंड प्रोसेस हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा, यहाँ पे जो है मैनेज करने के लिए हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर डिजाइन टू सपोर्ट हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, यानी वही देखिए बताएगी, विच नीड टू मैनेज प्रोसेस एंड हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट रिक्वायर्स इंटीगर इंटीजर ऑपरेशन सच एज इंडेक्सिंग, कंपैरिजन करना, तुलना करना, और किसी को इंडेक्स देना, इंडेक्स मतलब होता है नंबर देना, इस तरह के काम मेरे अपने कंप्यूटर कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्सिंग करना कि कौन सा कंप्यूटर कौन सा, मतलब जैसे मान लीजिए 1000 लोग काम कर रहे हैं तो कौन सा व्यक्ति आया, कब कौन से छोड़ के गया, तो उसकी इंडेक्सिंग करना, फिर चेंज करना, कंपैरिजन करना किसी डेटा के बीच में, सारे काम जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर की आप अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं। इट कैन प्रोसेस हुज अमाउंट ऑफ डेटा, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ सेकेंड। सुपर कंप्यूटर में था ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन और इसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन। इट हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ, इसके पास बहुत अच्छी लॉन्ग लाइफ होती है, 50 साल तक कम से कम ये जिंदा रह सकते हो। जिंदा रह सकने से मतलब ये है कि 50 साल तक काम अच्छे से करते हैं। इट गिव्स एक्सेलेंट परफॉर्मेंस विद लार्ज स्केल मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट के साथ ये बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इट्स वर्कलोड अमंग द, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो है ये शेयर कर सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वर्कलोड, यानी कि अपने काम के बोझ को प्रोसेसर जो जितने ज्यादा लगे होते हैं उनको अलग अलग प्रोसेसर में अपने काम के लोड को डिस्ट्रीब्यूट या शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं ताकि जल्दी काम निपट जाए। देयर आर फ्यूअर चांस ऑफ एरर और बग्स ड्यूरिंग, यहाँ पे ये बताया गया है कि इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि बग और एरर कोई आए। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एरर या बग होता है वो फिक्स ये खुद ही कर लेते हैं विदाउट एनी अफेक्ट, और यहाँ पे ये फिक्स तो कर लेते हैं लेकिन प्रोसेसिंग में कंप्यूटर की कोई मतलब तकलीफ नहीं, मतलब कोई भी जो है बाधा नहीं पड़ती है। इट हैज द एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द स्टोर डेटा एंड गोइंग एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा, यहाँ पे बताया गया है कि इसमें जो डेटा स्टोर है और जो यहाँ से डेटा जा रहा है या फिर आ रहा है उसको बहुत ही प्रोटेक्ट रखता है, सिक्योरिटी बढ़िया है। अप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग क्या होते हैं उनको देख लीजिए। हेल्थ केयर में जो है इनका उपयोग किया जाता है। इट इनेबल्ड हॉस्पिटल टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ दियर मिलियंस ऑफ पेशेंट, हॉस्पिटल को जो है मिलियंस ऑफ पेशेंट मरीजों का रिकॉर्ड मैनेज करने में हेल्प करता है। इन ऑर्डर टू कॉन्टेक्ट देम फॉर ट्रीटमेंट, और उनको मतलब कब ट्रीटमेंट के लिए आना है कब नहीं आना है, सारे मैसेज के वगैरह से जैसे नहीं देखते हो कि मैसेज से चला जाता है, तो सारे रिकॉर्ड डेटाबेस सब मैनेज करता है। रिलेटेड टू दियर अपॉइंटमेंट, उनका अपॉइंटमेंट कब है, मेडिसिन अपडेट दवाई कब लेनी है, डिसीज अपडेट रोग की अपडेट। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, रक्षा के क्षेत्र में, अलाउज द डिफेंस डिपार्टमेंट टू शेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद अदर ब्रांचेस ऑफ डिफेंस,
यहाँ पे जो है जैसे कि डिफेंस के क्षेत्र में, रक्षा मंत्रालय के क्षेत्र में जो डिफेंस में सिस्टम में जो बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन होती है वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शेयर करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ताकि सिक्योरिटी से ये सारी चीज़ें जो है पहुँच जाएँ डिफेंस डिपार्टमेंट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, इट हेल्प्स बिग यूनिवर्सिटी टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा रिलेटेड टू दियर कोर्स एडमिशन स्टूडेंट रिजल्ट एम्प्लॉय एंड एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेज। तो वही चीज़ है, यूनिवर्सिटी में जो है स्टूडेंट का कोर्स एडमिशन, स्टूडेंट का टीचर एम्प्लॉय, कहाँ कौन कहाँ लगा, एफिलिएटेड स्कूल और कॉलेज वगैरह, मतलब कुल मिलाकर के सारी जितने भी काम होते हैं कॉलेज में जो भी जरूरत होती है वो सारे काम जो है मैनेज करता है बहुत ही अच्छे से। इन द रिटेल सेक्टर, द रिटेल कंपनीज, रिटेल कंपनीज का मतलब ये है एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो। ठीक है। तो द रिटेल कंपनीज दैट हैव अ ह्यूज कस्टमर बेस, जिनके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है, ब्रांचेस यूज मेन फ्रेम कंप्यूटर टू हैंडल एंड एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर इन्वेंटरी मैनेजमेंट कस्टमर मैनेजमेंट एंड ह्यूज ट्रांजेक्शन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। तो वही चीज़ है कि जितने मतलब इन्वेंटरी मैनेज करने में कि कब क्या चीज, जो भी मतलब एक रिटेल क्षेत्र में चीज़ें होती हैं जरूरी, कस्टमर का मैनेजमेंट करना, ट्रांजेक्शन जो भी हो उनका मैनेजमेंट करना और इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, मतलब जो भी चीज़ें एक कस्टमर कंपनी के बीच में होती है, कंपनी जो भी अपने आंतरिक या बाहर करती है। ठीक है। अब इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपको जो है एक तरीके से मोटा मोटा बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहले हमने सुपर कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा। सुपर कंप्यूटर से कम ताकत होती है मेन फ्रेम की, मेन फ्रेम से कम ताकत होती है मिनी फ्रेम की। अब मिनी फ्रेम या मिनी कंप्यूटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, चलिए पढ़ लेते हैं। ये मेन फ्रेम से छोटा होता है, इट इज अ, छोटे से तात्पर्य यह है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में इसकी जो स्पीड है वो कम होती है, बस इतना ही मतलब है इसका। तो इसको हम सबसे पहले पढ़ें, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारी एक बुक है जो 99 रुपये में आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, जिस बुक से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसी बुक को, ये कम से कम 1500+ पेजेस की बुक है, यदि इसको ऑर्डर करना चाहें तो 99 रुपये में। ठीक है। ये अब बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उससे चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है, यदि आप चाहें तो इस, यदि इस नोट को यदि आपके पास क्षमता है तो आप चाहें तो उनको हैंड से भी लिख सकते हैं, हालांकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मिनी फ्रेम कंप्यूटर की, यहाँ पे बिना किसी अपने, चूंकि खुद का ही प्रमोशन खुद ही करना पड़ता है ना, और कोई करेगा नहीं, तो मिनी फ्रेम कंप्यूटर की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मिनी फ्रेम कंप्यूटर, इट इज अ मिड साइज मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर, मल्टी प्रोसेसर कंप्यूटर होता है ये, मिड साइज मतलब मध्यम वर्गीय। इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more प्रोसेसर, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है। एंड कैन सपोर्ट 4 to 200 यूजर्स, और सपोर्ट कर सकता है 4 से 200 यूजर, जबकि मेन फ्रेम में क्या था, मेन फ्रेम में हजारों था। ठीक है। और इसमें जो है 4 से 200 यूजर तक ही काम कर सकते हैं इस पे, मिनी फ्रेम कंप्यूटर पे। मिनी फ्रेम कंप्यूटर आर यूज्ड इन इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट फॉर टास्क सच एज बिलिंग, दो जो कि मिनी फ्रेम जो कंप्यूटर होते हैं वो इंस्टीट्यूशन और डिपार्टमेंट में, जैसे कि बिलिंग करना, अकाउंटेंसिंग मेंटेनिंग मेंटेन करना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट वगैरह जो टास्क होते हैं वो सारे काम करते हैं मिनी फ्रेम कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर लाइज बिटवीन द मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम इससे ऊपर वाला कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर इससे नीचे वाला कंप्यूटर होता है, इसी के बीच के कंप्यूटर को कहते हैं मेन फ्रेम या मिनी कंप्यूटर। ठीक है। ये जो एज इट इज स्मॉलर देन मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से ये छोटा होता है और बड़ा होता है माइक्रो कंप्यूटर, जो मिनी फ्रेम कंप्यूटर के बाद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है, मिनी मेन फ्रेम से छोटा होता है। इन 1965 में डीसी जो कंपनी थी उसने आविष्कार किया था मिनी फ्रेम कंप्यूटर का, या मिनी कंप्यूटर भी कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनी फ्रेम कंप्यूटर आर मिनी कंप्यूटर, तो चलिए वो भी देख लेते हैं, यानी कि इसके अच्छी अच्छी बातें देख लेते हैं। इट इज लाइट वेट दैट मेक्स इट इजी टू कैरी एंड फिट एनीवेयर, ये जो है लाइट वेट होता है और इजी टू कैरी होता है, यानी कि आसानी से ले जा सकते हैं और यानी कहीं भी फिट हो सकता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, चूंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम काम करता है इसलिए कम एक्सपेंसिव होता है इन कंपेरिजन टू मेन फ्रेम कंप्यूटर। इट इज वेरी फास्ट कंपेयर टू इट्स साइज, और ये जो है बहुत फास्ट होता है कंपेयर यदि इसके साइज के आधार पर देखा जाए तो। इट रिमेन्स चार्ज फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये काफी लॉन्ग समय तक चार्ज रह सकता, मतलब ये काफी लॉन्ग समय तक काम कर सकता है। यहाँ पे तात्पर्य इसका चार्ज से मतलब वो नहीं है इसमें कोई बैटरी नहीं होती है। इट डज नॉट रिक्वायर कंट्रोल ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, यहाँ पे जो है इसको कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, एक बार फिट कर दीजिए काम हो जाएगा, ऐसा भी इसमें सिस्टम होता है। एप्लीकेशंस ऑफ मिनी कंप्यूटर, अब मिनी कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म थ्री प्राइमरी फंक्शन विच आर एज फॉलोज। एप्लीकेशन क्या होते हैं, प्रयोग क्या होते हैं मिनी कंप्यूटर के, वो भी देख लीजिए।
प्रोसेस कंट्रोल, इट वॉज यूज फॉर प्रोसेस कंट्रोल इन मैन्युफैक्चरिंग, इट मेनली परफॉर्म्स टू प्राइमरी फंक्शंस दैट आर कलेक्टिंग डेटा एंड फीडबैक, डाटा को कलेक्ट करना और सुझाव देना। इफ एनी एबनॉर्मलिटी अक्वर्स इन द प्रोसेस, यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है प्रोसेस में, इट इज डिटेक्टेड बाई मिनी कंप्यूटर, तो पकड़ ली जाती है मिनी कंप्यूटर के द्वारा, एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड अकॉर्डिंगली, और उसके आधार पर ये जो है एडजस्टमेंट कर ली जाती है। ठीक है, तो इसका मेन काम है, दो प्राइमरीली फंक्शन इसके हैं, पहला है डेटा को कलेक्ट एंड उसको फीडबैक देना, और यदि कोई इसमें गलती हो प्रोसेस करने में आए तो उसको डिटेक्ट करके और उसको एडजस्टमेंट कर देना, प्रोसेस कंट्रोल का काम करता है। ठीक है, और प्रोसेस कंट्रोल कहाँ काम करता है। दूसरा है इसका डेटा मैनेजमेंट, इट इज एन एक्सीलेंट डिवाइस फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू कलेक्ट स्टोर एंड शेयर डेटा, छोटे जो संगठन है उनके लिए जो है ये कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और शेयर करने के लिए डेटा, लोकल हॉस्पिटल और होटल्स कैन यूज इट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ दियर पेशेंट एंड कस्टमर एक्सपेक्टली, जैसे कि अस्पतालों में उनके मरीजों का और जैसे आपके होटलों में जो है कस्टमर का रिकॉर्ड, डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है ना, और चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं, कम्युनिकेशन पोर्टल, इट कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ कम्युनिकेशन डिवाइस इन अ लार्जर सिस्टम बाय सर्विंग एज अ पोर्टल बिटवीन अ ह्यूमन ऑपरेटर एंड सेंट्रल प्रोसेसर और कंप्यूटर। ये जो है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी काम आता है, कम्युनिकेशन से यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट का आपका सर्वर बन गया, आपका कंप्यूटर मिनी फ्रेम कंप्यूटर, तो आपका जो कोई दूसरा जो यूजर है वो एक्सेस कर रहा है तो आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, कम्युनिकेशन करेगा आपके पोर्टल से। ठीक है, सर्वर की तरह पे जब आपका यूज लिया जाएगा मिनी कंप्यूटर का, जब आपका मिनी कंप्यूटर सर्वर बन जाता है, कम्युनिकेशन का काम आता है। चलिए अब चौथा कंप्यूटर हम देख लेते हैं, साइज के आधार पर हमने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर पढ़ा, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वर्क स्टेशन, चौथा नंबर है साइज के आधार पर वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन भी एक तरह का कंप्यूटर होता है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये बुक जो है इसको चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जीमेल आईडी पर, यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है, ये ठीक है ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस ई बुक को बाय करने का, फटाफट आप बाय कर सकते हो, 1500 पेजेस प्लस है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फुल आपको ये जो जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको मिल जाएगी पीडीएफ के तौर पर, आपके ईमेल आईडी पर डिलीवर कर दी जाएगी, तो देख लेंगे, जरूर चेकआउट कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वर्क स्टेशन पर बात कर लेते हैं बिना किसी बकवास के। वर्क स्टेशन जो है एक सिंगल यूजर कंप्यूटर है, वर्क स्टेशन या सिंगल यूजर कंप्यूटर दैट इज डिजाइन फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन, जो कि टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए, साइंटिफिक जैसे वैज्ञानिक कामों के लिए या टेक्निकल कामों के लिए प्रयोग किया जाता है। इट हैज ए फास्टर माइक्रो प्रोसेसर, इसके पास जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो फास्टेस्ट होता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ रैम एंड हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर, हाई स्पीड ग्राफिक एडाप्टर उसके पास होता है। ग्राफिक्स से तात्पर्य यहाँ पे ग्राफिक कार्ड जैसे आपका हो गया। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें जो है आपको बाद में पता चलेंगी आने वाली वीडियोस में, तो अभी इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके पास जो होता है फास्टेस्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होती है एंड हाई स्पीड ग्राफिक्स का एडाप्टर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर के पास नहीं था, उसके पास भी था, बस आप ऐसे मान लीजिए कि वहां से गिरते हुए चला आया तो इसके पास सुपर कंप्यूटर से नीचे था मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर से नीचे था मिनी कंप्यूटर, और मिनी कंप्यूटर से नीचे है वर्क स्टेशन। ठीक है, इट जनरली परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक जॉब, ये जो है एक स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है विद ग्रेट एक्सपर्टीज, मतलब अनुभव के आधार पर। ठीक है, और अकॉर्डिंगली दे आर डिफरेंट टाइप्स सच एज ग्राफिक वर्क स्टेशन, ये कई तरह के होते हैं वर्क स्टेशन जो होते हैं, ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन, जिस तरह का काम होता है उस तरह के वर्क स्टेशन होते हैं। कंप्यूटर सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, ठीक है, किसी स्पेशल चूंकि ये सिंगल एक यूजर के लिए होता है तो एक उसके स्पेसिफिक कोई जॉब होगी उसी के लिए काम करता होगा, और चूंकि ये सिंगल यूजर होता है तो फिर जैसा यूजर को मतलब जिसमें इंटरेस्ट है, जिसके लिए आपको काम करना है, उसके लिए तीन तरह के बनाए गए हैं, ग्राफिक वर्क स्टेशन, म्यूजिक वर्क स्टेशन, इंजीनियरिंग डिजाइन वर्क स्टेशन। इंजीनियरिंग डिजाइनिंग जब आपको करनी पड़ा हो तो वर्क स्टेशन की हम यहाँ पे कंप्यूटर की जो है कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इट इज अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन फॉर सिंगल यूजर फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल यूज, बिजनेस या प्रोफेशनल यूज के लिए, सिंगल यूजर के लिए काम आता है। ठीक है, इट अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, बेटर ग्राफिक्स एंड मोर पावरफुल सीपीयू देन ए पर्सनल कंप्यूटर, इसके पास जो है लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बेटर ग्राफिक्स होती है और मोर पावरफुल सीपीयू होता है देन ए पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के मुकाबले। पर्सनल कंप्यूटर जो है वर्क स्टेशन के बाद अभी आपको पांचवें नंबर पढ़ने को मिलेगा, तो चूंकि
बाद में मैं पढ़ा रहा हूँ पर्सनल कंप्यूटर यानी कि वर्क स्टेशन से भी गिरा हुआ होगा पर्सनल कंप्यूटर, इसलिए कहा जा रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर के मुकाबले बेहतर होता है। इट कैन हैंडल एनिमेशन, ये जो है एनिमेशन को हैंडल कर सकता है एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए। ठीक है, एनिमेशन का मतलब वो होता है जैसे कि आपके कार्टून वगैरह होते हैं टू डायमेंशनल में, ठीक है थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है, तो उसमें एनिमेशन वही उन्हीं को हम कहते हैं, बस आपको इतना बताना मकसद है। इट कैन हैंडल एनिमेशन डेटा एनालिसिस कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, मोस्टली डिजाइनिंग के तौर पर यदि आप देख रहे होंगे तो इसमें डिजाइनिंग फोकस किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस एनिमेशन कर सकता है, ऑडियो एंड वीडियो क्रिएशन एंड एडिटिंग, ऑडियो वीडियो की एडिटिंग एनिमेशन वगैरह कर सकता है। एनी कंप्यूटर दैट हैज द फॉलोइंग फाइव फीचर्स कैन बी टर्न्ड एज अ वर्क स्टेशन और कैन बी यूज्ड एज अ वर्क स्टेशन, जिसके पास ये पांचों जिसके पास ये जो है फाइव फाइव फीचर होते हैं, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जिसके पास ये पांच फीचर होते हैं वो एक वर्क स्टेशन कहलाता है। ठीक है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर के तौर पर टर्म किया जाता है जिसके पास मल्टीपल प्रोसेसर हो। देखिए यहाँ पे चीज ध्यान दिए जाए कि नीचे जो पांच चीजें आपको फीचर देखने को मिलेंगे जिनके पास ये पांच फीचर होते हैं वो टर्म किए जाते हैं वर्क स्टेशन के तरह। ठीक है, तो क्या है मल्टीपल प्रोसेसर होना, मल्टीपल प्रोसेसर कोर होने चाहिए। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसर कोर यानी कि आक्टा कोर, आक्टा कोर में आठ कोर होती हैं, क्वाड कोर में चार कोर होती हैं, डुअल कोर में दो कोर होती हैं, तो मल्टीपल कोर जो प्रोसेसर होते हैं वो आठ कोर से ज्यादा वाले होते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसर कोर होने चाहिए, ईसीसी रैम होनी चाहिए, रेड होना चाहिए, एसएसडी होनी चाहिए। एसएसडी क्या होती है, एसएसडी होती है मतलब आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो आपका हार्ड ड्राइव होती है कंप्यूटर में वो थोड़ा स्लो काम करती है, जबकि एसएसडी जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव इसको हम कहते हैं फुल फॉर्म होता है, तो ये जो होती है बहुत फास्ट काम करती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। और ऑप्टिमाइज्ड हायर एंड एंड जीपीयू, जीपीयू ग्राफिक्स कार्ड अच्छा क्वालिटी का हायर ऑप्टिमाइज होना चाहिए। चलिए अब एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले इसका ये है कि मल्टीपल प्रोसेसर कोर होनी चाहिए, इट हैज मोर प्रोसेसर कोर्स देन सिंपल लैपटॉप और कंप्यूटर, इसके पास बहुत ही ज्यादा कोर होनी चाहिए, मल्टी प्रोसेसर होनी चाहिए, ऑक्टा कोर से ज्यादा होनी चाहिए, बस इतना है। सिंपल एक सिंपल जो आपका पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप होता है उसमें इतनी नहीं होती है, वो ज्यादातर ऑक्टा कोर तक सीमित होता है, मल्टी प्रोसेसर का तो बात ही छोड़ो। ईसीसी रैम इट इज प्रोवाइडेड विद एरर करेक्टिंग कोड मेमोरी दैट कैन फिक्स मेमोरी एरर्स बिफोर दे अफेक्ट द सिस्टम परफॉर्मेंस। ईसीसी रैम जो होती है वो आपके कस्ट कंप्यूटर के जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को जो है कोई भी बग या एरर आता है उसको फिक्स कर सकता है विदाउट आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट किए। रीड समझ लेते हैं, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इट रिफर्स टू द मल्टीपल इंटरनल हार्ड ड्राइव्स टू स्टोर और प्रोसेस डेटा। ये जो है जो मल्टीपल जो इंटरनल हार्ड ड्राइव होती है उनको जो डेटा प्रोसेस या स्टोर किया जाता है। रेड कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, फॉर एग्जांपल देयर कैन बी मल्टीपल ड्राइव्स टू प्रोसेस डेटा और मिरर डिवाइस देयर वन ड्राइव डज नॉट वर्क देन स्टार सिस्टम। इसका मतलब ये है कुल मिलाकर आप ऐसा समझ लीजिए ठीक है कि रेड जो होती है उसमें आपके कई तरह कई मल्टीपल इंटरनल जो है हार्ड ड्राइव होती है, यदि एक काम करना नहीं यदि एक काम नहीं करती है तो दूसरे को कार्य सौंप दिया जाता है, यानी काम रुकना रुकता नहीं है। SSD की बात कर लेते हैं, इट इज बेटर देन कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव हार्ड डिस्क ड्राइव, देखिए वही चीज जो मैंने बताई थी। इट डजन हैव मूविंग पार्ट्स सो द चांसेस ऑफ फिजिकल फेलियर आर वेरी लेस। इसके देखिए हार्ड ड्राइव ये आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं, इसके पास जो होता है कोई भी फिजिकल चीजें इसमें फेल्योर नहीं हो सकती है, जैसे हार्ड ड्राइव में 75 इंस्ट्रूमेंट जुड़े होते हैं तब जाकर एक हार्ड ड्राइव बनती है, SSD में ऐसा कुछ नहीं होता है, एकदम कायदे कानून के एकदम मस्त एकदम एडवांस एकदम मॉडर्न क्वालिटी के एकदम है, समझ गए होगे। ऑप्टिमाइज हायर एंड CPU, GPU कार्ड क्या होता है, जैसे माइनिंग में उपयोग किया जाता है, GPU माइनिंग सुनी होगी यदि आपने सुनी हो। इट रिड्यूसेस द लोड ऑफ CPU, GPU यदि आपके कंप्यूटर में होता है तो वो आपके CPU को लोड को कम कर देता है। CPU हैज टू लेस वर्क व्हाइल प्रोसेसिंग द स्क्रीन आउटपुट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर की, और सबसे मतलब लो लेवल में कंप्यूटर की यदि साइज के आधार पर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर रहता है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर के बाद पढ़ा मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर। ठीक है, और मिनी कंप्यूटर के बाद हमने पढ़ा वर्क स्टेशन, वर्क स्टेशन के बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, और ये सबसे ताकतवर से स्टार्ट होकर सबसे घटिया तक आया है। अब माइक्रो कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि आपका घटिया है, जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ या जिससे मेरे पास है वो भी माइक्रो कंप्यूटर की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं घटिया, मतलब ये है कि सबसे कम क्वालिटी में जो है सबसे कम जो फास्टेस्ट स्पीड होती है वो माइक्रो कंप्यूटर की होती है।
ठीक है, माइक्रो जैसा कि नाम ही है तो जैसे नाम वैसा काम। चलिए उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी ये बुक को आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो। जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस बुक को आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उससे चाहो 99 रुपये में 1500 पेजेस प्लस, यानी कि सारी डिटेल जो है इस पर आपको बुक की दे दी जाएगी, आप इसको एक बार चेकआउट जरूर करें। चलिए माइक्रो कंप्यूटर का, चूंकि अपने खुद का ही जो है खुद से प्रचार ही करना पड़ता है ना, तो खैर चलिए माइक्रो कंप्यूटर जो होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे जाना जाता है। इट इज ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये जो है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है, ठीक है। दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल यूज, एक किसी पर्सन के लिए जो यदि मान लीजिए मुझे एक अपने काम करने हैं तो इंडिविजुअल यूज के लिए किया जाता है। इट इज ए माइक्रो प्रोसेसर एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट हैज ए माइक्रो प्रोसेसर एज ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास जो है एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, सिंगल माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। मेमोरी स्टोरेज यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट लिमिट्स। लैपटॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। लैपटॉप और डेस्कटॉप आपके कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, जैसे मेरा ले लीजिए, ठीक है। दे आर सूटेबल फॉर पर्सनल वर्क, ये जो है पर्सनल वर्क के लिए बढ़िया है। कायदे कानून के असाइनमेंट, वाचिंग अ मूवी, एक मूवी देखना, अपने ऑफिस के काम करना। द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर वाज स्टार्टेड बाय आईबीएम इन 1970। आईबीएम के द्वारा जो है, आईबीएम कंपनी जो अमेरिका की है उसके द्वारा 1970 में इनकी जो है बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर की हम कछु अच्छी अच्छी बातें आप जान लेते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज अमंग ऑल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ये दोस्तों सबसे छोटा होता है जितने भी अदर कंप्यूटर होते हैं उनकी कंपैरिजन में देखा जाए तो। अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड, कैन मतलब यूज किया जा सकते हैं, जैसे एक ही सॉफ्टवेयर इसमें डाल सकते हो। इट इज डिजाइन फॉर पर्सनल वर्क एंड एप्लीकेशन, ये जो है पर्सनल वर्क और एप्लीकेशन उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ओनली वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम, एक यूजर एक ही समय में काम कर सकते हैं, नहीं 20 यूजर लगे हुए हैं एक ही कंप्यूटर में, मार उसको फोड़ा फोड़ मचे हुए हैं, एकदम फोड़ फाड़ के एकदम बराबर कर दिए हैं, ठीक है। तो इट इज लेस एक्सपेंसिव एज एंड यूज, ये क्या है यार, इट इज मतलब ये कम खर्चीले और बहुत ही साधारण होते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। इट डजन रिक्वायर द यूजर टू हैव स्पेशल स्किल्स और ट्रेनिंग टू यूज इट, इनको जो चलाने के लिए कोई बहुत बड़ा एकदम आपको 30 मार खां बनने की जरूरत नहीं है, एक साधारण आदमी भी चला सकता है हमारी आपकी तरह। जनरली कम्स विद सिंगल सेमी कंडक्टर चिप, ये जो है सामान्यतः एक सिंगल सेमी कंडक्टर चिप के द्वारा बने हुए आते हैं, यानी कि एक चिप इसमें होती है, जिसको चिप का मतलब यही है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर हम जिसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग सच एज प्रिंटिंग, स्कैनिंग, ब्राउजिंग, वॉचिंग वीडियोज, ये किस काम के लिए होते हैं, मल्टीटास्किंग करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए प्रिंटिंग कर सकता है, स्कैनिंग कर सकता है, ब्राउजिंग कर सकता है, वॉच कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना, आप वीडियो भी देख सकते हो और मेरे वीडियो देख सकते हो, ठीक है ना। हाँ तो आप मेरे वीडियो देख सकते हो, साथ ही आप जितने भी चैनल हैं मेरे सारे एंजॉय कर सकते हो। तो ये मैंने आपको आज पढ़ा है, सुपर कंप्यूटर जो है 5 तरह के होते हैं, सॉरी सुपर कंप्यूटर नहीं, जो कंप्यूटर होते हैं उनको यदि साइज के आधार पर देखा जाए तो वो 5 तरह के होते हैं। तो मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ साइज बताया। एपिसोड 2nd में हमने बताया था डाटा हैंडलिंग की कैपेबिलिटीज के आधार पर, तब मैंने आपको 3 तरह के बताए थे। आज मैंने आप ऑन द बेसिस ऑफ साइज बताया जो कि 5 तरह के बताए। आई होप आपने एपिसोड 1st एंड 2nd देखा होगा और आज ये एपिसोड 3rd भी कंप्लीट हुआ।